तो वेपर प्रेशर डिस्कस करने के बाद हमने ये बताया था कि सॉल्यूशन के अंदर जो वेपर प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि जो सरफेस पे वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, इसलिए वेपोराइजेशन कम होता है, और वेपोराइजेशन कम होगा तो वेपर प्रेशर भी कम होता है। तो याद रखना, हमेशा सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होता है एज कंपेयर टू इट्स प्योर लिक्विड, अगर वो प्योर फॉर्म में है तो, उसके प्योर फॉर्म के लिक्विड से। तो हम इसको, अब बात ये है कि कितना कम होता है। जैसे हमने मान लो शुगर का सॉल्यूशन बनाया, और बनाने के बाद हमें ये चेक करना है कि वेपर प्रेशर में कमी कितना आया। तो अब हम थ्योरेटिकल चीज तो जान गए कमी आएगा, लेकिन अब हमें मैथमेटिकल इक्वेशन में लाना होगा कितना कमी आया, उसमें चेंजेस कितने के आए। तो वही हमारा हेडिंग था, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। राइट ऑन कर लेना, हालांकि लास्ट टाइम लिखवाया था मैंने लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में कमी आ जा रहा, उसी को हम बोलते हैं लोअरिंग। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि यहां पर एक सॉल्यूशन है, ये मान लो प्योर लिक्विड है या वाटर है। यहां पर इसका वेपर प्रेशर जो है वो पी नॉट है, पी नॉट से मानते हैं, बुक में भी इंडिकेट किया रहता है पी नॉट। तो पी नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड। या हम लिक्विड के नाम पे वाटर हमने लिया है, तो दूसरा भी लिक्विड हो सकता है। तो पी नॉट जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड है। अब हमने इसी को हमने सॉल्यूशन बना दिया, इसी को हमने सॉल्यूशन बना दिया। मान लो हमने शुगर वगैरह इसमें डिजोल्व कर दिया, एक्वस शुगर सॉल्यूशन, एक्वस शुगर सॉल्यूशन। एक्वस शुगर सॉल्यूशन, और ये हमने वाटर लिया है, और यहां पर जो वेपर प्रेशर बन रहा है वो है पी एस। पी एस मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी यहां पर वेपर प्रेशर पी नॉट है और यहां पर वेपर प्रेशर पी एस है। तो हम ऑब्वियस सी बात, हम जानते हैं कि यहां का वेपर प्रेशर कम हो जाता है सॉल्यूशन का, तो हम लिखेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग मतलब कितना कमी आ गया, डिफरेंस। लोअरिंग इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड माइनस पी एस, दैट इज नोन एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और एक टर्म आता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा एक टर्म आता है रिलेटिव लोअरिंग, जिसको हम शॉर्ट में आरएलवीपी बोलते हैं, आरएलवीपी, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। रिलेटिव का मतलब यह हुआ कि प्योर जो सॉल्वेंट है यानी लिक्विड है उसके रिस्पेक्ट में, दैट इज नोन एज रिलेटिव। ये तो लोअरिंग हो गया, और रिलेटिव लोअरिंग हो गया पी नॉट के रिस्पेक्ट में, दैट इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, आर एल वी पी। ये दो पॉइंट को नोट डाउन करना।
एक है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और एक है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग मतलब प्योर वाटर के कंपेयर में, दैट इज नोन एज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा पी, यानी चेंज इन प्रेशर, कितना का चेंज आया, चेंज इन प्रेशर अपॉन पी नॉट। चेंज इन प्रेशर अपॉन पी नॉट, ये डायग्राम बना के लिखना। आर्यन यस सर, ऑल क्लियर, आदित्य एवरीथिंग इज क्लियर, ओके। ये क्या समझ में आया, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डू यू अंडरस्टैंड? ओके, इसको डायग्राम बना के राइट डाउन करना, क्योंकि दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी आगे हम कोलिगेटिव में एंट्री मार चुके हैं, इसको हम बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बातें क्लियर हो गया? राइट डाउन हो गया? चलो, अब ध्यान देना, ये तो हमने दो टर्मोलॉजी बताया, अब हम लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, अब अभी तक जो हम बातें कर रहे थे उस क्या कर रहे थे, हमने वाटर लिया और उसके अंदर क्या मिलाया, सॉल्यूट, यानी एक वोलेटाइल और एक नॉन वोलेटाइल हम मिला रहे थे। इस बार हमने दोनों लिक्विड मिलाया है, यानी बोथ आर वोलेटाइल, बोथ आर वोलेटाइल, दोनों उड़ रहे हैं, इसमें भी कमी आएगा, नो डाउट इसमें भी कमी आएगा, लेकिन इस बार कंडीशन थोड़ा सा हमने चेंज किया है, बोथ आर वोलेटाइल, फिर हम एक वोलेटाइल और एक नॉन वोलेटाइल के लिए पढ़ेंगे। तो बोथ आर वोलेटाइल, जैसे अब हम इसको जो पढ़ने वाले हैं वो रॉट लॉ, रॉट लॉ एंड डाल्टन्स लॉ के, जो स्टेट ऑफ मैटर में पढ़े थे, रॉट लॉ एंड सॉरी डाल्टन्स लॉ, इन दोनों के बेसिस पे इस टॉपिक में हमें देखना है कि जो वेपर प्रेशर में कमी आएगा वो कमी कितना होगा, यानी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में कमी तो आएगा लेकिन वो कमी कितना आएगा और कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना मैं बता रहा हूं। मान लो हमने एक यहां पर कंटेनर में प्योर वाटर ले लिया, दिस वन इज प्योर वाटर, ठीक
जिसका यहां पर वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर पी नॉट, तो हम प्योर के लिए लिखेंगे, लिक्विड नंबर वन है तो पी वन पी नॉट वन लिख देते हैं। अब यहां पर हम एक दूसरा लिक्विड लेते हैं, जैसे मान लो हमने बेंजीन ले लिया, या बेंजीन टॉलिन भी ले सकते हैं, या बेंजीन टॉलिन भी ले लो, ये हमने बेंजीन ले लिया, बेंजीन भी लिक्विड फॉर्म में होगा, और यहां पर जो वेपर प्रेशर आ रहा है वो पी नॉट टू आ रहा है। अब हमने दोनों को मिला दिया, मिलाने के बाद यहां पर एक सॉल्यूशन तैयार किया हमने, यहां पर हमने एक सॉल्यूशन तैयार किया, यहां पर हमने एक सॉल्यूशन तैयार किया। यहां पर सॉल्यूशन में वाटर है और बेंजीन है, वाटर है और बेंजीन है। अब यहां पर जो वेपर प्रेशर आएगा, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यहां जो वेपर प्रेशर आएगा भी, सॉरी इसको हम लिख देते हैं पी एस से, ये सॉल्यूशन का ही है। वहां पर जो वेपर प्रेशर आएगा वो क्या आएगा, यहां पर जो वेपर प्रेशर आएगा वो कैसे हम निकालेंगे, तो देख ध्यान से देखना, इसमें हम रॉट लॉ यूज करेंगे और डाल्टन लॉ उसमें अप्लाई होगा। तो ध्यान से देखना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, यानी प्योर लिक्विड अगर वन है तो वन इंटू, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड वन इन सॉल्यूशन। इसको ध्यान से समझना, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो वेपर प्रेशर लिक्विड वन का प्योर फॉर्म में और उसका मोल फ्रैक्शन जब वो सॉल्यूशन में आ चुका होगा तब, यानी यहां पर दो कंपोनेंट है वाटर और बेंजीन, इसका कुछ मोल होगा, इसका कुछ मोल होगा, हम वाटर का सॉल्यूशन, वाटर का मोल फ्रैक्शन निकाल देंगे प्लस, अब यहां दोनों वोलेटाइल है, ये भी वेपर बनेगा और ये भी वेपर बनेगा, तो दोनों के द्वारा वेपर होगा, हम यहां लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड टू, यानी सेकेंड का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में इनटू इसी का मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड टू। यानी क्या करना है हमें, इसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर और इसका मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन वाला, सॉल्यूशन फेज वाला मोल फ्रैक्शन लेना है, ये जो मोल फ्रैक्शन लेना है वो सॉल्यूशन वाला लेना है, इन सॉल्यूशन। तो कुछ डाल्टन लॉ ऐसा ही हमने पढ़ा था, जब दो गैस होते थे तो हम पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते थे, पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन, सेम टू सेम यहां पी टोटल नहीं लेना है, बस पी टोटल के जगह पे प्योर फॉर्म वाला लिक्विड का वेपर प्रेशर लेना है और उसका मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूशन के अंदर, फिर सेकेंड लिक्विड का वेपर प्रेशर लेना है और उसका मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूशन के अंदर। तो अगर हम यहां पर इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो वेपर प्रेशर पी नॉट वन, तुम ये याद रखना, ये टर्मोलॉजी याद मत रखना, मतलब ये तो मैं, ये मेन है, ये तो जैसा इंडिकेट करेगा वैसा हम इंडिकेट करके बनाएंगे, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड वन, किस फेज में, सॉल्यूशन फेज में, प्लस पी नॉट टू,
यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड टू इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टू किस फेज में, सॉल्यूशन फेज में। ये जहां वन और टू लिखा हुआ है वो लिक्विड है। क्या ये बात सबको समझ में आया? और यहां पर भी वेपर प्रेशर में कमी आएगी, एक से ज्यादा होगा दूसरे से कम होगा। प्योर फॉर्म में मान लो यहाँ 75 है, यहाँ 100 है, तो 80 के अराउंड आएगा, एक से ज्यादा आएगा दूसरे से कम आएगा। तो यहां पर ये बात सबको समझ में आया क्या कि हम कैसे निकालेंगे, हाउ टू कैलकुलेट। अगर समझ में आ गया तो इसको राइट डाउन करना और अच्छे से डायग्राम बना के राइट डाउन करना, क्योंकि दिस वन इज सो इम्पोर्टेंट। और इसी को हम बोलते हैं रॉट लॉ, जिसमें कि थोड़ा सा हम डाल्टन्स लॉ भी हमने यूज किया है, दैट इज नोन एज रॉट लॉ लिक्विड लिक्विड के लिए। मुझे बताओ कि वेपर प्रेशर किस फेज का लोगे, सॉरी मोल फ्रैक्शन किस फेज का लोगे, क्योंकि दो फेज है यहाँ पे, एक फेज तो सॉल्यूशन है और एक फेज वेपर है। तो दो फेज में से तुम मोल फ्रैक्शन जो लोगे वो किसका लोगे, यहां वाला लोगे या वेपर वाला लोगे, मोल फ्रैक्शन किस फेज का लेना होगा, सॉल्यूशन वाला या वेपर। वेपर में भी हम निकाल सकते हैं, अगर सोचेंगे तो यहाँ पर दोनों का वेपर आएगा, बेंजीन का भी वेपर होगा और लिक्विड वाटर का भी वेपर होगा, तो उस फेज में भी हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। एक आंसर आया श्रेया का, बिल्कुल करेक्ट है। बाकी सब हमें जो मोल फ्रैक्शन लेना है वो सॉल्यूशन फेज का लेना है, नहीं कि वेपर फेज का लेना है। वेपर फेज में भी हम निकाल सकते हैं, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और यहाँ पर निकालना बहुत आसान है, अगर केवल वाटर के लिए पूछा जाए तो क्या निकालोगे, इसका प्योर फॉर्म में और वाटर का मोल फ्रैक्शन। बेंजीन के लिए पूछा जाए अगर पर्टिकुलर, तो इसका प्योर फॉर्म में और इसका मोल फ्रैक्शन। बात क्लियर हो गया सबको? अब यहां ध्यान देना, अगर हमसे यहां पर सॉल्यूशन का नहीं पूछ के केवल हमसे पूछा कि वाटर का बताओ, ठीक है, तो ये लिख लिया होगा, मैं हटाऊ इसको, केवल वाटर का वेपर कितना होगा, देखो वेपर दोनों का होगा, वाटर का भी होगा और बेंजीन का भी होगा, तो हम लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन,
सॉल्यूशन के अंदर वाटर का वेपर प्रेशर क्या होगा, प्योर फॉर्म में नहीं। तो सिंपल सा क्या करना है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, कहां पे, इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन फेज में। तो बार बार इस चीज को मैं इंडिकेट कर रहा हूं कि हमें मोल फ्रैक्शन लेना है सॉल्यूशन फेज में। तो अगर केवल वाटर का वेपर प्रेशर निकालना है तो वाटर का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर यानी पी नॉट वन, और इसका मोल फ्रैक्शन वाटर का सॉल्यूशन फेज में, क्योंकि देखो यहां पर दो फेज है तो दोनों के लिए निकाला जाता है। हम यहां जो मोल फ्रैक्शन लेंगे वो सॉल्यूशन फेज वाला लेंगे। तो फिर से इसको राइट डाउन करना, केवल एक पर्टिकुलर हमसे पूछा कि क्या होगा, तो हम पर्टिकुलर एक क्या निकाल सकते हैं, लिख लिए होगे। अब अगर हमें लिखे कि नहीं लिखे, अगर हमें बेंजीन का पूछे कि बताओ बेंजीन का यहां पर कितना वेपर प्रेशर होगा, प्योर में नहीं बेंजीन में, तो हम लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर क्या होगा, ये तो प्योर फॉर्म वाला है, तो हम लिखेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, प्योर बेंजीन यानी प्योर बेंजीन में वेपर प्रेशर इनटू इसका मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन किस फेज में, सॉल्यूशन फेज में, यानी जब वो यहां पर है वेपर में नहीं। तो ये निकालना है तो हम लिखेंगे कि पी नॉट टू यानी प्योर फॉर्म में इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन फेज। क्लियर हो गया, ये हमने दोनों पर्टिकुलर पर्टिकुलर निकाला, ठीक है, ये दोनों हमने क्या किया, पर्टिकुलर पर्टिकुलर निकाला। अगर सॉल्यूशन का पूछा होता तो दोनों को ऐड कर देते, अगर सॉल्यूशन का पूछ रहा है, ये हमने पर्टिकुलर पर्टिकुलर निकाला, पर्टिकुलर बेंजीन का निकाला, पर्टिकुलर वाटर का निकाला। अगर सॉल्यूशन का पूछा होता तो इसको और वाटर वाला का हम ऐड कर देते। ये बात क्लियर हो गया,
ठीक है। अब ध्यान देना आगे, अब यहां पर एक चीज ध्यान देना, अब इसमें थोड़ा सा हम डाल्टन लॉ यूज कर रहे हैं। अगर हमसे क्वेश्चंस में बोला कि वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालो वेपर फेज में, ध्यान से सुनना, एक तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन फेज में है और एक मोल फ्रैक्शन वाटर फेज में होगा। होगा तो हम बोलेंगे कि अब सोच लो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक गैस की तरह तुम ट्रीट करो। ये मान लो गैस का एक कंटेनर है जिसके अंदर वेपर भरा हुआ है, वाटर भी है और बेंजीन भी है। तो हम अब क्या निकाल रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड वन यानी वाटर का किस फेज में, इन सॉल्यूशन इन वेपर फेज में हम निकाल रहे हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड वन इन वेपर फेज, तो सोच लो हमारे लिए गैस, अब लिक्विड के बारे में छोड़ देना है। अब यहां पर जो पीएस है हमारे लिए पी टोटल के जैसा ट्रीट करेगा, जैसे तो हम डाल्टन्स लॉ में स्टेट ऑफ मैटर में क्या पढ़ते थे, पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन, तो हमारे लिए क्या होगा, पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ, अब लिक्विड वन बोलो या वेपर वन बोलो, ठीक है। तो यहां पर हम वाटर लिखते हैं या लिक्विड वन इन वेपर फेज, ध्यान समझना। अब ये मान लो हमारे लिए कंटेनर, इसके अंदर वाटर भी है और बेंजीन भी है और वाटर भी। बेंजीन भी है और वाटर भी है, ठीक है। अब ये दोनों वेपर फेज में है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, गैस का एक सिस्टम बन गया। तो यहां पर पी टोटल यानी ये वाला और मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड वन इन वेपर फेज, यानी पी टोटल के नाम पर यहां क्या है, पी टोटल के नाम पर यहां पीएस है, यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, यानी सॉल्यूशन का ही वेपर प्रेशर पी टोटल का काम करेगा इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड वन इन वेपर फेज। अब ध्यान देना एक मिनट, हम निकाल रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इन ऑफ लिक्विड इन वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड इन वेपर फेज। अच्छा, हम अगर इसका वेपर प्रेशर निकाले तो पी एस इंटू मोल फ्रैक्शन, ये क्या कहलाएगा, इसका अपना प्रेशर क्या कहलाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड वन। पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड वन इन वेपर फेज। यानी पार्शियल प्रेशर
ध्यान देना, इसका अपना प्रेशर को क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर डाल्टन्स लॉ कैसे अप्लाई करते हैं? पी एस इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड इन वेपर फेज, ये हमने डाल्टन्स लॉ अप्लाई किया। इसके ऊपर जो हमने अप्लाई किया था वो रॉट लॉ था और ये है डाल्टन्स लॉ। क्या ये सबको समझ में आया? डाल्टन्स लॉ वाला ये बात क्लियर हो गया सबको? तो बिल्कुल सिंपल है। देखो इसका अपना प्रेशर अभी अभी निकाले हम, अब तुम सोचोगे कि पार्शियल प्रेशर कैसे निकाला जाए। तो पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या हो गया? इसका अपना प्रेशर। अच्छा इसका अपना प्रेशर हमने कैसे निकाला? ये हमने निकाला, यहां मैं लिखूं, ये पहले लिख लो, इसके बाद मैं एक लाइन और लिखवाता हूं। अब ध्यान देना आगे, मैं एक लाइन और लिखवा रहा हूं, इसको हटा रहा हूं, इस दोनों को हटा दे रहा हूं। अब पार्शियल प्रेशर निकालना हो तो कैसे निकालें? कोई बताओ मेरे को कि पार्शियल प्रेशर लिक्विड का निकालना है, क्योंकि हम तो निकाल रहे थे मोल फ्रैक्शन, ये वैल्यू कहां से आएगा? ये वाला पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या हुआ? उसका वाटर का अपना प्रेशर वेपर फेज में। तो वाटर का अपना प्रेशर वेपर फेज में कैसे निकालेंगे हम? कोई बताओ मेरे को, वाटर का अपना प्रेशर वेपर फेज में कैसे निकालेंगे? तो देखो यहां पर वेपर फेज में कैसे निकालेंगे, अभी अभी बताया कैसे। P0 P01 यानी प्योर फॉर्म में उसका वेपर प्रेशर और उसका मोल फ्रैक्शन, किस फेज में मोल फ्रैक्शन? सॉल्यूशन वाला, ये सॉल्यूशन वाला मोल फ्रैक्शन है, इक्वल टू यहां पर पी टोटल के जगह पे क्या लिखेंगे? पीएस यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वन, किस फेज में? वेपर फेज में। इसको भी लिखना। क्या ये बात क्लियर समझ में आया? क्योंकि हमने रॉट लॉ लगाया और डाल्टन्स लॉ लगाया, दोनों अप्लाई किया हमने। सबको समझ में आया क्या? सबको ये समझ में आया? ओके।
लिख लिए। अब एक केवल हमने पार्शियल प्रेशर वाटर के लिए बात किया, जैसे ही बात करेंगे हम बेंजीन के लिए बात करेंगे। तो फिर से एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूं, ध्यान से समझना। दो लॉ है यहां, रॉट लॉ और एक डाल्टन लॉ। पहले रॉट लॉ समझो, अगर दो लिक्विड को मिला दिया जाए तो यहां पर वेपर प्रेशर क्या होगा? तो लिक्विड वन का प्योर फॉर्म में वेपर इनटू उसका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किस फेज वाला? सॉल्यूशन वाला। और लिक्विड टू का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर और उसका मोल फ्रैक्शन किस फेज में? सॉल्यूशन फेज में। दोनों को ऐड कर देना है, पर्टिकुलर पर्टिकुलर निकालना है। तो इसका प्योर फॉर्म में और यहां पर मोल फ्रैक्शन, इसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर इनटू इसका मोल फ्रैक्शन, ये हो गया डाल्टन्स लॉ। ठीक है, अब आते हैं हम थोड़ा सा, सॉरी ये हो गया रॉट लॉ, अब आते हैं डाल्टन्स लॉ पे। डाल्टन्स लॉ बिल्कुल यहाँ इजी हो जाएगा, बस ये समझना है कि हमारे लिए गैसियस सिस्टम हो गया, हमने इसको यहां से कट कर दिया। अब जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो पी टोटल का काम करेगा, पी टोटल का काम करेगा वो। और इसका मोल फ्रैक्शन अगर लिक्विड वन का निकालना है तो वाटर वाला लेंगे, अगर लिक्विड टू का निकालना है तो पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे? तो इसका अपना प्रेशर कैसे निकालेंगे? वही अभी अभी जो बताया, प्योर फॉर्म इंटू मोल फ्रैक्शन। क्या ये बात सबको क्लियर हो गया? सबने लिख लिया? अब ध्यान देना, अब एक रॉट लॉ हम और एक पढ़ेंगे जिसमें कि हम वेपर प्रेशर निकालेंगे, जिसमें एक वोलेटाइल होगा और एक नॉन वोलेटाइल होगा। वन इज वोलेटाइल एंड अनदर इज नॉन वोलेटाइल। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। यानी एक उड़ने वाला है और दूसरा उड़ने वाला नहीं है, जो सॉल्यूट है वो, जिसे वाटर और शुगर को हमने ले लिया, इससे पहले हमने लिक्विड और लिक्विड को मिलाया था, अब हम मिलाएंगे वाटर और शुगर को। तो ये बिल्कुल आसान लगेगा तुम्हें, अब ध्यान देना। यहाँ पे यहां हमने ले लिया प्योर वाटर, ये है हमारा प्योर वाटर। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर पी नॉट मान लेते हैं, ठीक है। ये वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर जो है मान लेते हैं पी नॉट है। अब इसको हमने बना दिया सॉल्यूशन, इसमें मान लो शुगर वगैरह हमने डिजोल्व कर दिया, तो हमने एक मान लो एक्वस शुगर सॉल्यूशन बना दिया। एक्वस शुगर सॉल्यूशन, अब यहां पर हमें वेपर प्रेशर निकालना है, कमी तो आएगा ये तो बात हम जानते हैं। तो दिस वन इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये हमें निकालना है, जिसको हम इंडिकेट करेंगे पीएस से। एक तो बात क्लियर है कि वाटर ही उड़ेगा और जो शुगर है वो तो वोलेटाइल नहीं है, नॉन वोलेटाइल है, वो तो उड़ेगा नहीं। तो एक वोलेटाइल है, एक दूसरा नॉन वोलेटाइल है।
तो हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तुम लोग बताओ क्या दिमाग लगाओगे? तो वही हम लगा देंगे क्या, इधर दिख रहा है सबको, तो इधर लिख रहा हूं। अब ध्यान देना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? तो एक तो उड़ने वाला है, दूसरा उड़ने वाला नहीं है, तो हम लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, एक ही लिक्विड है, इनटू इसका मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड किस फेज में, सॉल्यूशन फेज में। यहां पर ये लिक्विड कितना मोल है उसका मोल फ्रैक्शन हम निकाल देंगे। तो हम लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी पीएस इक्वल टू पी नॉट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड, यानी सॉल्वेंट लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लिख दो, सॉल्वेंट किस फेज में, इन सॉल्यूशन फेज में।
तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड पी नॉट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, यहां मोल फ्रैक्शन किसका लिखेंगे, सॉरी सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यानी अगर हमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है तो प्योर फॉर्म में लिक्विड का वेपर प्रेशर और उसका सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, ये पहले लिखो। चलो ये आसान है, वो जो दो लिक्विड वाला है उससे ये इजी पड़ेगा, ध्यान देना आगे, ये लिख लिए होगे, ये मैं हटाऊं। अब यहां पर थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करते, एक तो हमारा तरीका ये मिल गया कि अगर हमें वेपर प्रेशर निकालना है, ठीक है, अगर हमें वेपर प्रेशर निकालना है तो हम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालेंगे, हम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालेंगे, तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू पी नॉट यानी प्योर फॉर्म में इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लिखेंगे। अब यहां से ध्यान देना, यहां से थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, एक तो हमारे को ये मिल ही गया, अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं कैसे, अब तुम मुझे बताओ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, क्या लिखवाया था, दो मोल फ्रैक्शन का सम क्या आता है, वन आता है, अभी भी पढ़ाया था, स्टोइकोमेट्री में पढ़ाया, यहां भी पढ़ाया, अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, पीएस इक्वल टू वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू वन माइनस सॉल्यूट। क्लियर हो गया बातें, अब इस वैल्यू को यहां हम पुट कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, और एक तो हमारा ये है ही, हम इसको और सिंप्लीफाई कर रहे हैं पी नॉट, और यहां लिख देंगे वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, हम सॉल्यूट के फॉर्म में लेके आ रहे हैं, ये बातें इतना स्टेप क्लियर हो गया होगा, हमने ये रॉट लॉ से लिखा, इसको और हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अब इसको हम इधर लेके आते हैं, पी नॉट सॉरी PS अपॉन PS इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये थोड़ा सा हम और इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ध्यान देना है हर स्टेप पे। अब क्या करते हैं, इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ध्यान देना, इसको अगर हम इधर लेके आए तो ये प्लस हो गया, ये इधर जाएगा तो वन में से माइनस होगा, वन माइनस पी एस अपॉन, ये पी नॉट है, पी एस अपॉन पी नॉट, वन माइनस पी एस अपॉन पी नॉट,
अब इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू, ये थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं यहां से, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। पहले इतना लिखो। अब एक चीज ध्यान देना है यहां पे, ये क्या बन गया टर्म, ये टर्म मेरे को बताओ ये क्या बन गया, मैं क्या लिखवाया था स्टार्टिंग में पढ़ाते पढ़ाते, ये टर्म क्या बन गया, ये टर्म क्या बन गया, कोई बताओ मेरे को ये टर्म क्या बना हुआ है। बिल्कुल करेक्ट है, किसका आंसर है ये, नाम ही नहीं आ रहा, यात्री, हाँ बिल्कुल सही है, दो तीन का आंसर आया, श्रेया का भी आया, ये है आरएलवीपी, दिस वन इज आरएलवीपी, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, आरएलवीपी है, ध्यान से देखना। तो मैं इसको पहले लिख रहा हूं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्या ये बातें क्लियर हो गया सबको। तो मोल फ्रैक्शन यहां पर, अच्छा यहां पर पी नॉट ए और सॉल्वेंट, क्योंकि यहां दूसरा लिक्विड नहीं है इसलिए हम यहां पर दूसरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि जो सुगर है उसके द्वारा जो वेपर प्रेशर होगा वो जीरो होगा, सुगर के द्वारा जो वेपर प्रेशर होगा वो तो जीरो होगा। अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया, ये कैसे किया, तो यहां से हमने सॉल्वेंट का वैल्यू पुट कर दिया, यहां हमने वैल्यू पुट किया, इसको हमने फिर इधर लाया, इसको हमने ये लिखा, और इसके बाद हमने और सिंप्लीफाई किया, ये इसी को बोलते हम रॉट लॉ, और ये तुम्हारा बोर्ड में 100% ईच एंड एवरी ईयर इसका क्वेश्चंस आता ही आता है, मतलब ये डिराइव करने के लिए, ये बिल्कुल अच्छे से इसको क्लियर रखना। अब इसमें और सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, तो यहां पर स्टार लगाना, यहां पर स्टार लगाना, बीच वाला डेरिवेशन में आएगा, तो दो जगह स्टार लगाना, एक यहां और एक यहां। अब ध्यान से समझना, हम इसी को
थोड़ा सा और सिंपली और सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो ध्यान से समझना इसको। हमने लिखा P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, पी नॉट ऊपर लिख, अब ध्यान देना है यहां पे, हम यहां हमने लिखा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ये हमने लिखा। अब थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू, हम यहां लिखेंगे मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन को हम कैसे लिखते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे लिखेंगे ना, क्योंकि सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है। सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है, तो थोड़ा सा हम इसको और इसको मॉडिफाई कर दिया हमने। अब यहां ध्यान देना, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, अब यहां पर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या लिखेंगे, एन टू, और यहां क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, एन वन हमने एज्यूम कर लिया, एन वन इज मोल, सॉरी मोल फ्रैक्शन है मोल ऑफ सॉल्वेंट, और एन टू इज मोल ऑफ सॉल्यूट। N1 इज मोल ऑफ सॉल्वेंट और N2 इज मोल ऑफ सॉल्यूट, ध्यान देना है यहां पे, इसको हमने N2 को मोल ऑफ सॉल्यूट माना है, ये बातें अब तो इतना स्टेप क्लियर हो गया होगा। इसको हमने इस फॉर्म में लिखा और इसको हमने एज्यूम कर लिया N2 और N1 है। बातें क्लियर हो गया होगा, अब यहां ध्यान देना, जो रॉट लॉ है, रॉट लॉ वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए अप्लीकेबल है, रॉट लॉ जो है, रॉट लॉ इज अप्लीकेबल अप्लीकेबल फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए अप्लीकेबल है। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब यह हुआ कि उसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम है और सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है, मतलब शुगर का अमाउंट कम है और वाटर का अमाउंट ज्यादा है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि N1 इज मच मच ग्रेटर देन N2, यानी मोल जो है वो सॉल्यूट का कम है और सॉल्वेंट का ज्यादा है, ठीक है, सॉल्वेंट का ज्यादा है। अब इस केस में हम यहां पर दो चीजों का एडिशन हुआ है, हम यहां पर इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू बहुत ज्यादा है और ये वैल्यू बहुत कम है, ये वैल्यू बहुत ही कम है, तो अगर मान लो ये ज्यादा है और ये कम है तो हम एडिशन में उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, हम यहां लिखेंगे P नॉट माइनस पी एस ये वाला अपॉन P नॉट इक्वल टू, यहां लिखेंगे N2 अपॉन N1, यही लास्ट था, N2 अपॉन N1 का मतलब यह हो गया कि मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट,
मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट, यही से हम न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, दैट इज नोन एज आरएलवीपी। आरएलवीपी यानी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ लास्ट तक तुम्हें डेरिवेशन करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड में यहाँ लास्ट तक आता है। न्यूमेरिकल्स भी करेंगे तो हम यहीं से सोल्व करेंगे। ज्यादा न्यूमेरिकल सम अगर ये नॉन वोलाटाइल वाला आ गया तो ज्यादा न्यूमेरिकल सम इसी से सोल्व करेंगे, यानी दिस वन इज फाइनली फाइनल स्टेप, दिस वन इज फाइनल स्टेप। इसको लिखो पहले, क्या सबने लिख लिया? तो यही है हमारा फाइनली। तो आज के लेक्चर में दो इंपॉर्टेंट हमने बातें पढ़ा कि अगर लिक्विड लिक्विड को मिला दिया जाए तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या होगा, उसका निकालने का तरीका अलग है। और अगर लिक्विड और एक नॉन वोलेटाइल को मिला दिया जाए तो उसमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालने का तरीका अलग है। अब यहां पर लिख लेना, सब लिख लिए होंगे। अब फाइनल जो है वो ये लिख लेना कि ये क्या है पी नॉट, क्योंकि बोर्ड वगैरह फाइनली हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो पी नॉट इज वेपर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड और पीएस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और एन टू क्या है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट। एन वन क्या है, तो मोल ऑफ सॉल्वेंट। अगर हमें इसको लिखना है तो लिख लियोगे, दिस वन इज कॉल्ड आर एल वी पी। तो मैं यहां ये भी लिख दे रहा हूं, आर एल वी पी इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी पूछता है कि आर एल वी पी बताओ, मतलब आर एल वी पी का मतलब हुआ ए रेशियो बताना है आपको, और कभी कभी पूछता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बताओ, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बताओ। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये है, ये नहीं है, यानी तुम्हें केवल वैल्यू किसका बताना होगा, पी नॉट माइनस पी एस का, पी नॉट माइनस पी एस का वैल्यू बताना होगा। ठीक है, तो इसको तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन, इस फॉर्म में भी लिख लेना। डेल्टा पी यही है डेल्टा पी, यानी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर।
लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या ये सबको क्लियर हो गया? एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट स्टार डाल के लिख लेना कि रॉट लॉ इज अप्लीकेबल फॉर डायल्यूट सॉल्यूशन। और लास्ट में एक पॉइंट और भी लिखना, हालांकि उसको हम डिस्कस आगे करेंगे, कि रॉट लॉ इज अप्लीकेबल फॉर आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। रॉट लॉ इज अप्लीकेबल फॉर आइडियल सॉल्यूशन, लास्ट में स्टार डाल के वो भी लिख लेना, रॉट लॉ इज अप्लीकेबल फॉर आइडियल सॉल्यूशन। क्या ये सारे बातें क्लियर हो गया? क्योंकि आज के लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था ये, जिसमें कि हम दो लिक्विड को जब मिला रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे निकाला जाए, और एक वोलेटाइल और एक नॉन वोलेटाइल को मिलाया जाए तो उसमें वेपर प्रेशर कैसे निकाला जाए, साथ में रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, पीएस क्या है, पीएस कैसे निकालेंगे। अब यहां से मैं कुछ भी पूछ सकता है, क्या ये बातें सबको क्लियर हो गया? दिस वन इज सो इंपॉर्टेंट। ये लिख लिया कि रॉट लॉ इज अप्लीकेबल फॉर डायल्यूट सॉल्यूशन एंड आइडियल सॉल्यूशन। क्या ये पॉइंट नोट डाउन किए? अब ध्यान देना आगे, हमने यहां लिखा है पी नॉट माइनस पी एस। अब इसी को अलग फिट टर्म में हम लिख रहे हैं, अपॉन पी नॉट, यहां है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, हम यहां मोल को क्या लिख सकते हैं? मोल इक्वल टू गिवेन मास अपॉन क्या होगा, मोलर मास। अब ध्यान से समझना है, यहां पे गिवेन मास अपॉन मोलर मास। चलो गिवेन मास मान लेते हैं W है और मोलर मास M है। या ऐसा करते हैं, गिवेन मास क्या ज़ूम कर ले, जैसा टर्मोलॉजी यूज किया होगा वैसे ही यूज करेंगे हम, W और M यूज किया। चलो W1 W2 भी यूज कर सकते हो, W1 ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। W1 बाई M1, ये हमने क्या लिखा, इसका मोल ऑफ सॉल्यूट के बारे में लिखा, क्या गिवेन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, क्लियर हो गया होगा अपॉन। अब ये हम सॉल्वेंट के लिए लिखते हैं, गिवेन मास अपॉन मोलर मास, गिवेन मास अपॉन मोलर मास। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें,
तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा डब्लू वन बाई एम वन इंटू एम टू बाई डब्लू टू। अब यहां पर हम इंडिकेट कर देंगे कि W1 क्या है, तो W1 इज गिवेन मास ऑफ, गिवेन मास ऑफ सॉल्यूट है, और W2 W2 लिख देते हैं गिवेन मास ऑफ सॉल्वेंट M1, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और M2, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये नीचे इंडिकेट करके हमने लिख दिया, तुम्हें भी लिखना पड़ेगा। तो कभी कभी क्वेश्चन में बोर्ड वगैरह पूछता है कि आरएलवीपी का रिलेशन बताओ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के टर्म में, जब सॉल्यूट के टर्म में पूछेगा तो ये तुम्हें यहां तक लेके आना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आएंगे तुम्हें, और न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाएंगे तो यहां से भी न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं, ठीक है, जेई वगैरह में न्यूमेरिकल्स यहां से बना सकते हैं, यहां से बना सकते हैं, अगर मास वगैरह पूछेगा तो हम यहां से वैल्यू निकाल के हम पुट कर सकते हैं। अब एक टर्म में और लेके जाएंगे, ये सबका आज तुम्हें समरी बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इसका तुम्हें एक समरी बनाना पड़ेगा जिसपे कि दो लिक्विड को ऐड करना, ये बातें क्लियर हो गया। क्या ये बातें सबको क्लियर हो गया? अब आगे ध्यान देना, लिख लिए होगे, अब आगे ध्यान देना, इसको हम एक और टर्म में लिख रहे हैं, इसको हम एक और टर्म में लिख रहे हैं, ध्यान देना कैसे लिखेंगे, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू, यहां पर ये मोल है, मोल ऑफ सॉल्यूट, इसको ऐसे ही लिख दो, मोल ऑफ सॉल्यूट, इसको ऐसे रहने दो, इसको ऐसे लिखो गिवेन मास अपॉन मोलर मास, डब्ल्यू टू अपॉन एम टू, इसको हमने ऐसे लिखा, तो कुछ हमने किया नहीं, जो मोल ऑफ सॉल्यूट है, जो मोल ऑफ सॉल्यूट है और जो मोल ऑफ सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को हमने लिख दिया गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये ऊपर चला जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन गिवेन मास, और ये M2 कहां जाएगा, ऊपर इंटू M2, अभी तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बस हमने इसको ऐसे ही लिखा है, यानी ये हमारा मोल ऑफ सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है,
इसको हम गिवन मास अपॉन मोलर मास के टर्म लिखे। अब क्या करते हैं, ऊपर भी 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा करने से कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, ऐसा करने से कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। अब ध्यान से समझो कि मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन डब्ल्यू टू यानी गिवन मास और ये टर्म क्या बन चुका है, मुझे जल्दी से बताओ, इसका जवाब दो। ये टर्म क्या बन चुका है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन डब्ल्यू टू यानी मास, मोल मास ऑफ सॉल्वेंट, ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, मास ऑफ सॉल्वेंट है, ये यहां लिखा हुआ है, वो भी अगर ग्राम में, तो ये क्या टर्म बन चुका है, कोई बताओ मेरे को जल्दी से, ये टर्म क्या बन चुका है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000, ये टर्म क्या बन चुका है। बिल्कुल एक सही आंसर आया, मोलालिटी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये बन गया मोलालिटी, मोलालिटी यानी मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000 अगर ग्राम में है तो हम इसको मोलालिटी के फॉर्म में लिख देंगे, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोलालिटी। इंटू ये क्या है, एम टू, ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है और ये पूरा टर्म बन गया डिवाइड बाई 1000। क्या ये बात समझ में आया, क्या ये हमने मोलालिटी के फॉर्म में लिख दिया, तो इस फॉर्म में मोल के फॉर्म में हमने अलग अलग फॉर्म में लिखा। क्लियर बातें, चलो अब यहां तक कोई डाउट है तो मेरे को बोलो, क्योंकि यही तक लास्ट था। तुम क्या करोगे, इसका एक समरी बनाओगे, समझ में आया क्या, टॉपिक का अभी जितना आज के लेक्चर में पढ़ाया
क्योंकि आगे से सब कुछ इंपॉर्टेंट होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करवाएंगे, तब जाके इसमें और क्लियरिटी आएगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग से जो जो हमने पढ़ाया उसके ऊपर अब न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे। एक बार पेज टर्न करके देखो, कोई डाउट है तो बोलो, कोई भी टर्मोलॉजी में अगर डाउट है तो उसको बोलो। कोई डाउट है किसी पॉइंट्स में तो इसको एक समरी बनाओगे, क्लियर? और समरी बना के कल हम इसमें न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे। ठीक है, कल हम इसपे एक मतलब अलग अलग जितना भी हमने टर्म लिखवाया उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो समरी जरूर बना लेना। ओके, थैंक्स टू ऑल।